माइंडिया माइंड चैनल में आपका स्वागत है। रेवत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे नागालैंड। तो यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सारे बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं, तो आप इसके डायरेक्टली वेबसाइट पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो NIT नागालैंड, तो ये है पूरा इसका वेबसाइट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड भी सर्च करेंगे तो गूगल आपको ले जाएगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 वन पोस्ट, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स तो लेवल 10 वन। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में भी है और जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर सुपरिटेंडेंट तो लेवल 3 और सब, तो सारे एक एक पोस्ट हैं। और मल्टीटास्क टेक्नीशियन वगैरह का भी पोस्ट है। तो आप इसको इसके डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इसको अप्लाई कर दीजिए। क्या है क्वालिफिकेशन, तो जो ग्रुप ए का है तो यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो आपको पे ग्रेड 5400 आफ्टर 5 ईयर सर्विस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार विथ GP 5400। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रोग्राम कम्यूट फॉर मूविंग टू द हायर GP आप 6600 विथ सेम ड्यूरेशन, तो ये होना चाहिए। और इसके बाद और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो नाच एक तो 35 ईयर से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है और सारे पोस्टों के लिए यहाँ पे जो है तो यहाँ पे भी दिया हुआ कि आप जो हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे कहा हुआ कि जो कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, तो मास्टर डिग्री तो इस केस में तो, और जो भी पोस्ट हैं तो इसके बाद मेथड तो 75% वगैरह सब दिया हुआ है कि कैसे कैसे जो भी रूल रेगुलेशन प्रोसेस है उसके थ्रू यहाँ पे पूरा बताया गया। 75% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फिलिंग विथ इच बाई ड्यूरेशन, तो ये सब और तो यहाँ पे और सारे हैं। तो मिला जुला के आपके पास कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसके विषय में हम और डिटेल देंगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मारिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अगर आपको रिसर्च करके दे देते हैं तब भी आप वीडियो देखते नहीं तो मेहनत बेकार चला जाता है। इसलिए हम आपको जहाँ भी वैकेंसी है बता दे रहे हैं क्या मिनिमम है, कितना आपको मिलेगा और क्या है, तो वो सब डाल दे रहे हैं। और वीडियो ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी मार सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि किसी के दिल में राज नहीं किया जा सकता। तो देख सकते हैं पूरा है, तो डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। और कोई दूर राय नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और लेवल 10 ये सब वैकेंसी आई हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।